जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बच्चों को मुबारकबाद जो जानते नहीं है कि हांगकांग की टीम भी कोई क्रिकेट खेलती है। दूसरी बात ये कि यार मेरे नसीब में क्या यही रह गया है, मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ तालियां बजाऊं, मैं आयरलैंड के खिलाफ बजाऊं, मैं नेदरलैंड के खिलाफ बजाऊं। ये भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। किसी वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक्स में आती है, और उसने आज प्रूफ किया है। सिर्फ नसीम शाह के दो वाइड जैसे हो गए जिसकी वजह से आपके एक्स्ट्रा कॉलम इंसी भाई आपकी बात को ज्यादा सीरियसली ले लिया। मेरे ख्याल से आप कह रहे थे पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऑल आउट जाए, हल्का ना ले किसी टीम को। जी इंग्लैंड की सी टीम के खिलाफ तालियां बजाओ, मतलब कोई श्रीलंका की टीम के खिलाफ? कोई टीम तो बड़ी लेकर आते जो पाकिस्तान ने देखे यार औकात तो याद दिला दी हांगकांग को कि तुम हमारे बराबर की टीम नहीं हो, मगर इस पे तालियां नहीं बजती। 13 ओवर तक जो इंडिया के बराबर की टीम थी, आप शुक्रिया। 13 ओवर तक जो इंडिया के बराबर की हांगकांग टीम थी, अगर वो सूर्या कुमार सुन ले, किसी और गेस्ट को ड्रॉप करके आपको बुलाया इसीलिए कि 13 ओवर तक जो हांगकांग ने भारत को बराबरी की टीम दिखा दी थी, वो तो सूर्य कुमार को दाद दीजिए किसने आगे जो है वो हिट्स लगानी शुरू कर दी। वरना तो आपके कप्तान रोहित शर्मा भी वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, विराट कोहली भी जो है वो सिंगल डबल पर आए थे। उस वक्त हांगकांग बराबर की टीम थी भारत के। आज का आपने कह दिया आज पाकिस्तान 155 रन से जीता, इसमें आप कह रहे हैं कि बराबर की टीम नहीं। देखें पड़ोस में कितने बच्चे हैं मैं उनको नहीं जानता, मैं अपने बच्चे बता सकता हूँ मेरे कितने बच्चे हैं, ठीक है? सबसे पहली बात तो हो गई है। दूसरा ये कि यार हांगकांग के लिए भी अगर आपके पास टाइम है उस पर भी बात करनी है तो बड़ी बात है। हांगकांग की कोई टीम है कभी सोचा आप इंडिया के खिलाफ? एक घंटे बोले आप इंडिया और हांगकांग के मैच में सूर्य कुमार यूं तो रोहित शर्मा तो यूं तो विराट कोहली जवाब देता ना, आज भी तो मैं पूछ रहा हूँ, आज कोई और पूछ रहा है क्या? आज कुछ आज कह रहे हैं एक घंटे हम क्या बात करेंगे? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आज बाबर क्यों आउट हो गए तो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटर आउट हो सकते हैं, क्रिकेटर क्या आउट नहीं हो सकते? अच्छा मैं ये बोलूँ की हांगकांग से आउट के नंबर वन जो आपको बुरा लगेगा तो नहीं, क्रिकेट उसी से भी आउट हो सकते हैं। हाँ तो भाई वो क्रिकेट है, वो 155 रन बना, 52 रन इंडिया के खिलाफ बना है या 38 पे आउट हो गए, क्रिकेट है। इसमें भी खुश नहीं है जरा, बढ़ गया है। अदरवाइज आपने उनको मेरे हाथ से 30 रन के अंदर आउट कर देना था, विच इज कोई भी टीम हो इट्स अ बिग टास्क फॉर एनी बॉलिंग साइड। एग्जैक्टली जी राजीव भाई क्या बोले, जो आपका दिल चाहे। अफगानिस्तान के साथ हमदर्दी और एक बड़े ग्रुप में थे जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे थे, ना वो बहुत अच्छे हो गए थे इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल के, ना बहुत बुरे हो गए यहाँ पे ख़राब खेल के। इनके एक लीग है जहाँ पे ये खेलते हैं एसोसिएट मेंबर के साथ खेलते हैं, वहाँ पे ये चैंपियन है। इन्होंने बताया चैंपियन है, सबको बाहर करके वो आए खेलने के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी टीम का जो कि जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म नहीं है ड्रेसिंग रूम के अंदर, मतलब वो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि यार अब कोई करिश्मे के लिए सोच रहा है, कोई करिश्मा हो जाए। वेरी गुड इनिंग्स फ्रॉम फखर और खासतौर पे खुशदिल, जिनको एटलीस्ट कम से कम मुझे ये लगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि 29 रन उन्होंने आज एक्स्ट्राज में दिए, ठीक है वो 29 दे भी देते तो 38 पे आउट हो गए, मगर आज खुशदिल ने बताया कि मुझे ये डर नहीं है कि मुझे दोबारा बारी मिलेगी नहीं मिलेगी। और इवन फखर ने कंसोलिडेट किया आज, रोटेट की स्ट्राइक, हालांकि वो उनका काम भागना नहीं है T20 में भाग के रन लेना, वो भाग के रन करने वाला खिलाड़ी नहीं है यार, उसको रिजवान बेकार में भगाया जा रहा था, रन वो करता है खड़े खड़े, ठीक है उसने आज 20-22 रन जो जोड़े हैं पाकिस्तान के लिए वो बड़े अहम तरीन रन से। हाँ ये ज़रूर है कि इस टोटल कोई 150 के करीब होता, 150 के अंदर होता आपको टफ ज़रूर मिलता, मगर बॉलिंग जो महमूद भाई ने कहा ना बॉलिंग उनके लिए बहुत भारी पड़ गई, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के पास बॉलिंग का एक ऐसा आर्ट है जहां पर पाकिस्तान मैच अपने करीब कर सकता है। ठीक है बॉलिंग का एक आर्ट है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल यही कहा था, लेकिन मैंने इतना भी सीरियस नहीं कहा था, वो इसलिए कि हल्का तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़े से नए लड़कों को ट्राई कर लेना चाहिए था। हाँ। तो इसमें अगर आप है ना हसनैन को या हसन को ट्राई कर लेते तो उसमें ये नहीं है कि जी आप दूसरी टीम को लाइट ले रहे हैं, ये भी दोनों बड़े क्वालिटी प्लेयर हैं, और स्पेशली हसनैन तो बिग बैश में और 100 बॉल में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है, तो उसको ट्राई करते आना चाहिए था। क्योंकि जितनी गर्मी थी कि इंजरीज की वजह से कह रहे थे अगर ये लड़के अगर इस पहले राउंड में खेल लेते तो टीम के लिए बेहतर होता, लेकिन फिर भी ठीक है कि पाकिस्तान ने आज बड़ा अच्छा
डिस्प्ले किया कि तो उसकी कप्तानी भी अच्छी जा रही है भाई। कप्तानी तो कभी भी खराब नहीं रही। बाबर जब कप्तान बने तो पाकिस्तान T20 में नंबर वन था। अब सिर्फ बाबर नंबर वन है T20 में, पाकिस्तान नहीं है T20 आ जाएगा ना पाकिस्तान नंबर नहीं, नहीं, आ जाएगा और खालू जान आएंगे और वो लेकर आएंगे मिठाई। ये वाली कहानियां नहीं चलती। देखे यार सीधी सी बात, एक्सप्लेनेशन जरा ये बता दिया करे ना, सरफराज की कप्तानी में भी तो जीत रहा था पाकिस्तान। आपने तो उसको फॉर्म की वजह से बाहर किया था ना भाई। सही। तो आप मुझे बताइए आपकी जो टॉप ऑर्डर की परफॉर्मेंस है आज भी पावर प्ले में, वो इस काबिल है कि आप उस पर डिस्कशन करो? डिबेट तो करने को कोई तैयार नहीं होता। आप गिना देंगे कि रिजवान के 78 रन थे, 20 ओवर तक खड़ा रहा, अकेला बल्ला कैरी करके गया, वो विनिंग मोमेंटम साथ लेके गया। भाई टीम कौन सी थी? हांगकांग थी। सही। ठीक है यार, मैं अभी अब छोटी छोटी आप टीमें पकड़ के आप जो है ना वो तफरी का सामान बना रहे होते हैं। सही है, ऐसा ना करें। और सूर्य कुमार यादव ने तो मेरे ख्याल में कोई वो कैरी नहीं, 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 नहीं भाई मैं सूर्य की बात नहीं कर रहा, वो तारीफों के खिलाफ मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं आज नहीं कर रहे ना, उस दिन तो नहीं, आप आज तो मैच नहीं है ना इसलिए बात नहीं कर रहा। उस दिन भी तो हांगकांग से मैच था ना, इंडिया का किसी और से मैच था। नहीं तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं पड़ोस के बच्चों के नाम क्यों लूंगा भाई। तो उस दिन तो ले रहे थे ना 360, वो आप नहीं ले रहे थे, और भी यूट्यूबर 360, तो यूं तो इधर खेल दिया उधर खेल दिया, आज वो हांगकांग की टीम छोटी हो गई। आप मुझे एक शॉट बता दीजिए खुश दिल का ऐसा जो ऐसा हो कि जिसको आप लगे भाई शॉट रन आप खुद तारीफ कर रहे हैं, वो नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ उसने तो वो जो नॉर्मल शॉट महमूद भाई ने जिंदगी भर मारे होंगे, इधर मार दिया, इधर मार दिया, इधर मार दिया, भाई जरा कोई वेरिएशन नजर आती शॉट में। रिजल्ट तो आया ना, रिजल्ट तो आएगा। अच्छा, आप रिजल्ट पे आप रिजल्ट के बैट्समैन खेले एंड के ओवर्स में, जिस तरह हम इंडिया के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे आज थोड़ा सा बेहतर नजर आए खेलते हुए। हांगकांग की बॉलिंग को ना देखना, लेकिन बेहतर खेलता हुआ नजर आए। लेकिन ये कि पाकिस्तान को सीरियस कंसर्न है अभी, मुझे अभी भी जो पहले 10 ओवर है, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान है ना कोई इतना ज्यादा स्कोर नहीं बना सका। हमारे ओपनर रिजवान ने आज स्कोर किया, उसको कॉन्फिडेंस मिला होगा, लेकिन वो कहीं मुझे ऐसा फ्री खेलते हुए नजर नहीं आए, उनको थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे खेलना पड़ेगा। लास्ट 10 ओवर्स में 129 स्कोर किया हमने लास्ट 10 ओवर्स में, तो पहले 10 ओवर में हम स्ट्रगल कर रहे थे, 64 रन्स किए थे, 64 और इस बॉलिंग अटैक के सामने यू वुड एक्सपेक्ट के आप ज्यादा तेज खेलें, खासतौर पे जब आपकी एक विकेट गिरी हो। नहीं शहजाद, बात असल ये है कि अच्छी टीमें आपको इतना फ्रीली मारने नहीं देंगी, यू नो मतलब है कि ठीक है आपने 64 for 1 थे, अगर इंडिया होती है आपके, ऑस्ट्रेलिया होगी या बड़ी टीम होगी, तो वो आपको अगले 10 ओवर में इतनी आसानी से नहीं मारेगी। आपके पास वो बॉलर नहीं मिलेगा जिसको आप एक ओवर में 3 छक्के मार लिए आपने, खुश दिल ने आके ऐसा बॉलर नहीं मिलेगा। 4 छक्के मारे शॉर्ट में, शॉर्ट गेम खेला में हसरा यादव ने। देखो मैंने कहा था ना कि ये यॉर्कर्स आखिरी ओवर में यॉर्कर्स होने चाहिए, उसने फिर आके 4 शॉट बॉलिंग की 4 छक्के खा लिए, तो ऐसे बॉलर्स नहीं मिलेंगे आपको, तो यू हैव टू प्रिपेयर। और वो जो बात हो रही थी कि हम, मैं चाह रहे थे कि हसनैन को खिला लो, अगले मैचेस में अगर कोई ब्रेक डाउन कर गया, खुदा ना खास्ता क्रैम्प पड़ गए तो क्या करेंगे, दो दो दिन का गैप है, आपको रेस्ट नहीं मिला, तो यू हैव टू प्रिपेयर कि भी जो साथ में बैठे हैं इसलिए कि वो एक अच्छे बॉलर हैं। छोटी टीम्स के खिलाफ तालियां बजवाते रहेंगे तो मेरे पास तो फालतू तालियां नहीं है भाई, मैं हमेशा मुकाबले पे तालियां बजाता हूं। मुकाबला, कड़क मुकाबला संडे को है, बिल्कुल बजाऊंगा तालियां। पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस पे इंडिया से नहीं जीत सकता। इंडिया और पाकिस्तान एक अलग डिफरेंट बॉल गेम है, दुनिया जानती है कि यहां पर दोनों टीम्स पे प्रेशर होता है। भले रोहित शर्मा ने लाखों रन बनाए हुए, करोड़ों में आईपीएल के प्लेयर हों, भले बाबर आजम ने नंबर वन उठाया हुआ, मगर वो इंडिया पाकिस्तान मैच है, तो ये दो नफ्सियाती टीमें टकराएंगी। यहाँ से मुकाबले में जो जीतेगा मैं तालियां बजाऊंगा। ठीक है, तालियां तो आप बजाएंगे वो, लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो बजाएंगे? यार क्यों नहीं, पाकिस्तान मेरी कंट्री है भाई, मेरी पहचान पाकिस्तान है। फिर क्यों समझते हैं कि आप पाकिस्तान के इंडियंस हैं? यार देखिए मैं आपको बताऊं अली, अब जरा आप खुल के मैं आपको बता दूं। ठीक है, वहां से दादे आती हैं लेकिन इंडियन थोड़ी है। मैं कोशिश करूंगा। नहीं ऐसा नहीं कुछ कह रहे हो, वहां से दादे आती हैं इनको, इंडियन थोड़ी है। अली दाद नहीं आती ना। मैं कोशिश करूंगा, मेरे खालू जान भी आ जाते हैं जो आज सुबह मिठाई लेकर आ रहे हैं। अल्फाज जरा बिल्कुल ठीक रहे। देखिए ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं इंडिया की क्रिकेट में बात करता हूँ। भाई तुम अपने कमरे बंद करके पूरे घर वालों के साथ आमिर खान की, सलमान खान की, अमिताभ की, अक्षय कुमार की फिल्में, तुम्हें यह भी पता है रईस में मायरा खान ने काम किया था, तुम्हें यह भी पता है लाफ्टर चैलेंज में कौन गया था, तुम सारे मजे अपने लो, तो इंडियन कोई नहीं है। है मैं क्रिकेट में बात कर लूं तो इंडियन हूं, है किसी के पास बात का जवाब? मेरे पास है ना। इख्तलाफ आप करें ना, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस में जब आप बाबर आजम को उड़ाते हैं जब भी तो लोग आपसे फिर एतराज करते हैं। भाई वो तो लोगों के लिए अच्छी होती है, मेरे लिए नहीं होती ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे जो एंटरटेनमेंट है ना यार। नहीं नहीं, अगर फिल्म देख लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट है ना भाई। क्रिकेट इज नॉट एंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट नहीं है भाई। हाँ। ये तो आप एक व्यूअर्स के लिए एंटरटेनमेंट है ना, आपकी तो दुकान चलती है क्रिकेट में, आपकी तो दुकान चलने चाहिए जुमला वाला से आपको पूरा फिल्म भी तो देखते हैं आप, आपकी दुकान चलती है, आप इनकी तो फिल्म भी तो देखते हैं। मैं उन्हीं की तो बात कर रहा हूं मैं, कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो कहते हैं कि इंडिया की क्रिकेट में बात कर रहे हो, जो इंडिया की हर चीज पे तैयार है वो तो सही है, लेकिन फिर अपनी भी चीजों को तो सराहे ना। बाबर आजम अच्छा खेलता है उसको भी कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर आजम ने अच्छा खेला, आपने कहा इसी शो में बैठ के आपने बोला बाबर आजम बहुत स्लो खेल के गया भाई। मैं आपको अब सुन ले आप मेरी बात, 2020 बाबर आजम स्ट्राइक रेट 119 पावर प्ले, 2021 बाबर आजम स्ट्राइक रेट पावर प्ले 110, 2022 बाबर आजम पावर प्ले 107। अब बताइए क्या मैं ये भी ना बताऊं क्या? चलें बताएं बिल्कुल, मैं तो आपसे मुतमईन नजर नहीं आ रही बातों से। क्या ये बताने में आपको बुरा लग रहा है क्या? मुझे क्या सबको बुरा लगता है? देखिए एक बात बताऊं, जो स्टैट्स उन्होंने बताए, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैंने भी यही बात की थी ना अभी कि आपको एज ए आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन पर ऑल आउट हो गई। हांगकांग ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद फखर जमान ने अच्छी पारी खेली और रिजवान ने, पाकिस्तान ने 192 रन बनाए। अब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को होगा, जिससे पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि छोटी टीमों से तालियां बजवाते हैं लेकिन बड़ी टीमों के सामने हार जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडिया से जीत के दिखाओ, क्योंकि छोटी टीम से छोटी टीम होती है उससे तो कोई भी जीत सकता है। बाबर आजम पर लगातार इफ्फी भाई ने जमकर हमला किया, क्योंकि बाबर आजम बहुत धीमा खेल रहा है पावर प्ले में। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।